यार, तेरे को मेरा ही रास्ता मिला था काटने के लिए। आज मेरा नौकरी का पहला दिन है। ओह नो, अक्कल नहीं है तेरे में। वैसे इतने से सर में अक्कल कितना सा होगा। खैर छोड़, ध्यान रखना अगली बार से। अरे ओ ऋतिक रोशन, तुम पिक्चर की तरह मेरा फाइल कोई फेंक के चला गया? फिर सॉरी, मेरा बस चला तो ये सॉरी का ही पतंग ही काट दूं। एक दिन बोलेगा खून करके भी सॉरी। हेलो, हाँ बोल। हाँ तू भी मुझे सॉरी में डुबा डुबा के मार ही दे। वैसे ये तेरा 83 टाइम्स का कॉल है, अगर ये वाला कॉल को मैं ना पकड़ूं तो। ओह नो, तूने मेरी कॉल काउंट करना स्टार्ट कर दिया। वाह, अरे मैं तेरे को इसीलिए फोन किया था कि तू आज तेरा पहला दिन है ऑफिस का, तो जल्दी ऑफिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे मैं पहुंच के अपने बॉस को बोलूं चाहे ना बोलूं, तेरे को जरूर बोलूंगा। वैसे अगर तू और 10-20 बार कॉल कर दी ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ और किस काम के लिए जा रहा हूँ। तो क्या अनअपशनअप बोल रहा है, पागल तो नहीं हो गया है? वैसे तेरे को पता है ना कल क्या है? क्या? अरे मेरी डॉकी का बर्थडे है, तू आएगा ना? क्या, वो रॉकी जो 12th स्टैंडर्ड में एक साथ पढ़ता था? नहीं रे, मेरी डॉगी। मैं कमिंग मैडम। इन तो कर ही चुके हो, अब क्या मेरे सर के ऊपर इन करेंगे? चलो चलो, ये लो फाइल और इसको आज ही सबमिट करके जाना, समझे? चलो चलो, गो गो गो। मैं कमिंग मैडम। अरे आपको कितनी बार बोलूं कि आप ऑलरेडी इन कर चुके हो, अब क्या इन करके मेरे सर के ऊपर डांस करोगे? मैम ये फाइल कंप्लीट है। ये फाइल ठीक ही है। ओके ओके, पुट दैट, टेक नेक्स्ट फाइल एंड डू दैट क्विकली, गो गो गो। पर मैम, ओह नो, व्हाट व्हाट मैम, खाना खाके आए हो ना? मेरा सर मत खाओ हाँ, प्लीज जाओ एंड डू योर वर्क। पर मैम आपने तो बोला था एक फाइल। What? अब तुम मुझे सिखाओगे कि काम कैसे करते हैं? एक दिन का आया हुआ मेहमान, तुम्हें मैं परमानेंटली छुट्टी में भेज दूंगी। नो मैम, करता हूँ, अभी करता हूँ। लिसन, डू योर वर्क एंड गो। ये भी करना है, वो भी करना है, इतना कुछ कर। अरे क्या हुआ, एक दिन में इतना थक गए, पूरा हवा ही निकल गया, आगे कैसे काम करोगे? ओके ओके चलो, आई हैव टू लीव, डोंट वेस्ट माई टाइम, कल टुमोरो टाइम पे आ जाना, मेरे को लेट बिल्कुल पसंद नहीं। ओए बंटी, तेरा काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे काम के साथ साथ मैं भी खत्म हो गया रे। क्या? कुछ नहीं, आगे बोल। ओए सुन, मेरी डॉगी के लिए ना कल केक लेते हुए आना। अरे तू रुक रे,
मेरे दिमाग को थोड़ा सा अकेले छोड़ दे, नहीं तो चिंता मत कर वो कहीं नहीं घूमेगा। तू क्या पूरा पागल हो गया है? क्या बोल रहा है अनाप शनाप? हाँ मैं पूरा पागल हो गया हूँ, सुन के अच्छा लगा तेरे को? अब रख दे मेरी माँ, मेरे को बख्श दे, रख दे अब। अरे बेटा और बताओ कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन आज? प्रॉब्लम यह है कि वो चुड़ैल मेरी मैनेजर है, और क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्किंग एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरे वर्किंग एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसके वर्किंग एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड अबाउट, दिस इज व्हाट शी एक्चुअली वांट्स, यही तो वो चाहती थी। सीरियसली पापा, आजकल जब भी वो मुझे अपने केबिन में बुलाती है ना, ऐसा लगता है कि उसको और उसके केबिन को दोनों को पंप से उड़ा दूं। फर्स्ट दिन ही देख लिया सब कुछ मैंने, काहे का फ्रेंडली एनवायरनमेंट, काहे का इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, काहे का मिलजुल के काम करने का सिस्टम। जॉब का मतलब ही होता है आपके सर पे एक चढ़ा हुआ चुड़ैल जैसा मैनेजर। उसके बाद ऑल यू हैव टू वरीड अबाउट हर मीटिंग, हर प्रेजेंटेशन, हर ऑफिस टाइमिंग, हर लंच टाइम, जो कभी तुम्हारा भी लंच टाइम हुआ करता था। नो वन कैन मेक दिस मैनेजर हैप्पी, अ हैप्पी मैनेजर इज अ मीथ। सारा चक्कर इस कॉलेज प्लेसमेंट वाले का होता है। टन बन ठन के टाई पहन के आ जाएंगे और आपके सामने 35,000 का हड्डी फेंकेंगे, और आप भी जीभ लटकाते हुए उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कोई नहीं बताता है। इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ आपको। अगर आप किसी ट्रैफिक में फंस के 5 मिनट लेट हो गए तो आपके हाफ डे सैलरी कट। अगर आप किसी 7 बजे की जगह 6:55 पर चले जाएंगे तो अगले दिन आपको सुनना मिलेगा कि आप तो 6 बजे चले गए। अरे भाई 55 मिनट जो कि लगभग 1 घंटे का होता है, ये काम करने का कोई वैल्यू ही नहीं है। आपका 1 घंटा टोटल वेस्ट। मीटिंग्स खत्म नहीं होती है भाई साहब इनकी। पहले सेल्स मीटिंग, फिर रिव्यू मीटिंग, फिर प्रोग्रेस मीटिंग। अरे इतनी मीटिंग अगर अमेरिका अफगानिस्तान के साथ कर ली होती तो आज तालिबान वहां पर नहीं होता। छुट्टी मांग लो तो इन लोग ऐसा देखते हैं जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टी मांग ली हो। एक एक मैनेजर तो हमको ऐसा देखता है जैसे इनके दोनों किडनी मांग ली हो। क्या करोगे छुट्टी लेके? क्यों जाना है छुट्टी? कितने दिन के लिए जाना है? दोस्त की शादी है। अरे झूठ बोल दो कि तुम बिजी हो। रिश्तेदारों की शादी है। अरे तो किसी अपने रिश्तेदारों को भेज दो। अरे कंपनी ऑफर लेटर के पहले उसमें लिख दिया था ना, तुम्हारा इतना सीएल है, तुम्हारा इतने आरएच है। मेरी छुट्टी पे मेरा हक है, तुम्हारा हक नहीं है। मेरी छुट्टी में उसके साथ क्या करूं, उसके खिचड़ी पका, उसका जूस बेचू, उसको लू नहीं लू, वो मेरी मर्जी है। तुम कौन हो तो मुझे छुट्टी नहीं देने वाले? अब आप ही बताइए क्या मुझे नौकरी और करनी चाहिए? तो ये बात है। ठीक है कल एक काम करना, कल जल्दी उठ जाना और नहा धो के चुपचाप ऑफिस जाना।